एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों तरफ से कैप्टन बुलाए गए हैं। कलंगा ए के बीच 200वां 21 नंबर जर्सी की जो कैप्टन आई है वो हरियाणा की टीम का प्रतिनिधि कर चुकी है, नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। स्टार है हरियाणा की अंशु बैठी है और 100 स्कोर रखा है जींद ने यहाँ पे। टॉस विजेता जींद पहली रेड लीजिए कलंगा की तरफ से। खेल शुरू कलंगा। कलंगा की जो टीम है रेड लेकर आगे बढ़ता हूं। उनकी टीम है और जींद की टीम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इस टूर्नामेंट की बहुत ही बेहतरीन टीम है, बहुत ही मजबूत टीम है, सबके सब बड़े बेहतरीन। और अब देखिए रेड लेके आगे बढ़ता हूं जिसमें नेशनल खेलने वाली स्टार भी इस समय अंशु मोर जो टीम के कप्तान, इसके अलावा मंजीत राम बतेरी एक से बढ़कर एक रेडर। एक बार फिर वही रेडर कलंगा ए की ओर से जो कि जूनियर टीम है युवा बालिकाएं। सेल्फ आउट यहां पे एक अंक गवाया और यहां पे अब लीजिए परिवर्तन के तौर पे 18 नंबर जर्सी में टीम का स्कोर एक और कलंगा बोनस का प्रयास जींद की तरफ से। इस समय रेड बहुत ही मजबूत टीम है, जींद बोनस अर्जित करने में कामयाब। 10-2-10 का मुकाबला, दो मैच खेले जा चुके हैं। ये तीसरा मैच और मदीना ए, तेलंगा बी और मदीना ए दोनों टीमें तैयार हो गए। 17 नंबर जर्सी में अब हर रेड के ऊपर परिवर्तन देखने को मिल रहा है जींद के लिए, क्योंकि जींद एक से बढ़कर एक स्टार सीनियर टीम है, लंबा अनुभव उनके पास। सॉरी मदीना ए और तेलंगा बी दोनों टीमें अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। ये मैच बिल्कुल वन साइड है क्योंकि जींद की टीम बहुत ही मजबूत टीम है। यहाँ कैच करना चाहेगा और शानदार कैच यहाँ पे देखे पकड़े गई जींद एक पॉइंट के साथ। और मंजीत पहली बार रेड पे देखे 10 नंबर जर्सी में सुपरस्टार जींद की हरियाणा से, और इनका सामना आसान नहीं होगा कलंगे के लिए। और छलांग लंबी लगाई है, 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। पहली रेड मंजीत की और 2 पॉइंट अर्जित किए। बाएं कॉर्नर पे बेहद मजबूत टीम इस समय जींद की, और ये देखिए आसानी से ब्लॉक किया है, शानदार पकड़, एक और पॉइंट जींद की झोली में। और इस वक्त देखिए 18 नंबर जर्सी में एक से बढ़कर एक स्टार, क्योंकि सीनियर टीम सुपर टेकल ऑन, 2 का डिफेंस, आसान मौका। यहाँ पे झपट्टा मारा है सीने के आसपास, 1 पॉइंट यहाँ पे जींद की झोली में। जी हाँ, और अंतिम बाली का इस वक्त, और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गए। सफल रहे कलिंग अगले मैच के लिए तेलंगा बी और मदीना ए, तेलंगा बी और मदीना ए दोनों टीमें आ जाए। फिर से सुपर टेकल ऑन है, चुनौती कठिन होती भी। बाएं कॉर्नर पर रनिंग टच पॉइंट की कोशिश, तेलंगा बी और मदीना ए दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए। खामोश, ये मैच बिल्कुल वन साइड है, दोनों टीमें ध्यान दें आप तुम्हारे बगल ग्राउंड पे पहुंचे। सूर्य सेट हो चुका है और अब दूधिया प्रकाश में ही मैच खेले जाएंगे। देखिए साइड लाइन से बाहर भी जाला की बोनस अर्जित किया, ऑल आउट इसे 1 पॉइंट माफ कीजिए। और अब अंतिम पाली का ऑल आउट का खतरा लीजिए, 3 पॉइंट जाते हुए सीधे जींद की झोली में। करीब 3.25 मिनट के खेल में ऑल आउट किया है जींद ने कलंगा को, 9 की बढ़त, 2.5 अंकों में 11 का स्कोर है जींद का, जबकि 2 मिनट का बाद कलंगा। मैच की शुरुआत में जींद की टीम आ चुकी है मंजीत। इस समय मंजीत रेड पर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट के खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। नेशनल खेलने वाली मंजीत बोनस लेकर आई, स्कोर को बढ़ाते हुए इस समय 12 महेंद्रगढ़ पर 10 की बढ़त। इस बार नेशनल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें सभी राज्य की टीम खेली थी, भारतीय रेलवे की टीम भी उस टूर्नामेंट का हिस्सा थी। उस टूर्नामेंट में हरियाणा प्रदेश की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल। करीब 4 मिनट का खेल और उसमें, और यहां कैच करने की कोशिश, शानदार पकड़, ऐसा खेल चाहिए कलंगा को तभी वापस आ सकता मैच में। क्या चोट लगा है यहाँ पे, थोड़ी सी चोटिल जरूर है। और एक बार फिर से देखिए यंग स्टार करीब 16 वर्षीय कलंगा के लिए, और कैच किया आसानी से, स्कोर लीजिए, स्कोर बढ़ता हुआ 13।
3 के मुकाबले यानी 10 अंकों की बढ़त बरकरार। एक और सुपरस्टार यहां पे कैच करने की कोशिश और यहां पे अच्छा कार्य करता हुआ कलंगा। आसानी से हार मानने वाला नहीं है कलंगा, भले ही जूनियर टीम जीत सीनियर के सामने, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन युवा बालिकाओं द्वारा। साइड लाइन से बाहर भेजने की कोशिश लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए नहीं, बोनस अर्जित किया, सेल्फ आउट। मनजीत रेड पे फिर से मचलेंगी जिला झुंझुनू और राजस्थान। नेशनल ओपन गर्ल्स कबड्डी 2023 सपट्टा मारते हुए टच पॉइंट कॉर्नर पे एक और बेहतरीन रेड मनजीत द्वारा। और फिर से देखिए ये सबसे बेहतरीन रेडर है कलना की ओर से, सबसे युवा भी है और बेहतरीन रेडर भी है, लेकिन यहाँ उठा लिया है एक और पॉइंट। जूनियर और सीनियर में कुछ तो फर्क होता होगा और वो यहाँ पे नजर आने लगा है जींद की टीम में और कलंगा की टीम में। लेकिन यहाँ पे देखिए युवा स्टार बेहतरीन टैकल, यहाँ पे एक बार फिर से कैच किया, रेडर आउट। कलंगा 6 जींद 16, 10 अंकों की बढ़त है। और कृत्रिम रोशनी यहाँ पे दीजिए, फ्लड लाइट ऑन कर दी गई है, जगमगाता हुआ ये कोर्ट। रेडर सेल्फ आउट, एक पॉइंट गवाया कलंगा ने। जींद काफी मजबूत टीम मानी जा रही है इस टूर्नामेंट के, हालांकि जयपुर भी टीम प्रबल दावेदार है। पहले मैच में जिस प्रकार से बड़े अंतर से जीत दर्ज की वो लाजवाब। बार बार निवेदन किया जा रहा है कलंगा बी, फिर से वही रेडर ए, दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए। दूधिया रोशनी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिस प्रकार से खिलाड़ियों का छांव आप देख पा रहे हैं। फ्लड लाइट ऑन कर दी गई है क्योंकि भगवान भास्कर सेट हो चुके हैं। पचलंगी में इस समय कृत्रिम रोशनी में ये नेशनल कबड्डी खेले जा रहे हैं। इनसे दूर रहे, चार का डिफेंस नहीं लगाए, बरसात का मौसम होने की वजह से अर्थिंग बन के करंट आ सकता है पोलो में, इसलिए पोलो से दूरी बना के रखे हुए। मनजीत क्या यहाँ पोल है, मिलेगा नहीं लगाए, सभी से मेरा निवेदन है। करीब 7 मिनट का खेल, जींद मजबूत। जींद हरियाणा अपने आप में एक ऐसा प्रदेश जो खेलों की दुनिया में देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में शुमार है। रेडर सेल्फ आउट और इसी के साथ एक पॉइंट फिर से जींद की झोली में। गलती करता हुआ ग्राउंड पर रिपोर्ट गए, बार बार कहा जा रहा है तेलंगा बी वर्सेस मदीना ए, तेलंगा बी और मदीना ए दोनों टीमें ग्राउंड पर नजदीक आ जाए। इससे अगला मैच जींद बी और दो बढ़ाना दिल्ली। कंधे थोड़े से झुकते हुए क्योंकि बढ़त जो है जींद के पास उसका दबाव नजर आने लगा कलंगा के ऊपर, जबकि जूनियर टीम भी है। लेकिन यहां पॉइंट मिलेगा, कॉर्नर को टच किया, बहुत कुछ से सीख रहा होगा इस वक्त कलंगा युवा स्टार, एक से बढ़कर एक दाद देने होगी हौसलों की, इतनी दूर से खेलने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देखिए मनजीत लक्ष्य तक पहुंच गए, क्या ऑल आउट किया है, 3 पॉइंट यहाँ पे सुपर रेड। अंतिम पाली का बाकी इस वक्त और मदीना ए, ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है इस वक्त कलंगा बी और मदीना। कलंगा के ऊपर सबसे युवा, ये देखिए इस वक्त सीने को टच किया, मनजीत को बाहर भेजा। इस वक्त जो सबसे बेहतरीन रेडर हैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सुपर टेकलोन, 2 का डिफेंस, मौका ऑल आउट करने का। और यहाँ पे लीजिए, अरे वाह, सुपर टेकल पहुंच गए लक्ष्य तक, ऑल आउट, यहाँ पे चौका जड़ दिया 4 पॉइंट के साथ बेहद मजबूत स्थिति में। क्रिकेट के मैदान पे चौके आपने बहुत देखे होंगे खासकर आईपीएल में, लेकिन यहाँ देखिए पचलंगी में जींद ने चौका लगा दिया। यहाँ गलती की है कलंगा ने, एक पॉइंट अर्जित किया, लेकिन काफी बढ़त है इस वक्त कलंगा भी और मदीना है। जींद के पास
मेरा कमेटी के कोषा अध्यक्ष श्रीमान बजरंगलाल जी को यहाँ उठा लिया है चारों दिशाओं से। हर वर्ष तालमेल कमाल का नजर आता हुआ तेलंगाना भले ही युवा बालिकाएं सभी की अगर बात करें तो अंडर 16 अंडर 17 नजर आ रही है, उसके बावजूद सीनियर जींद के सामने जो खेल दिखाए हैं वो लाजवाब। साइड लाइन से बाहर भेजा रेड आउट मनजीत फिर से रेड पे, उनके द्वारा 11,000 रुपए का सहयोग, इनके लिए भी जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी दानदाताओं को। मौके की तलाश में बोनस का प्रयास और भाई, लेकिन देखते हैं आखिर रेफरी का निर्णय क्या रहता। बोनस इसी के साथ मध्यांतर का समय लीजिए हाफ टाइम, अच्छा मैच चलता हुआ दूसरे हाफ का खेल शुरू इसी के साथ और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेज दिया है। लीजिए एक और पॉइंट जींद की झोली में, जींद बेहद मजबूत स्थिति में है 26 के साथ 27 स्कोर बढ़ता हुआ। पिछले वर्ष भी और इस मास का डिफेंस ये जो कबड्डी की प्रतियोगिताएं होती है रविंद्र जी विदाउट पॉइंट वापस जीत कार्यकर्ताओं की पूरी टीम, इनकी जो टीम आती है हर वर्ष उनके द्वारा विशेष सहयोग होता है इसको आयोजित कराने में पूरी भूमिका निभाते हैं ये सभी कार्यकर्ता, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी युवा टीम है जहां तक कलंगा का सवाल है, अंडर 16 नजर आ रही बालिकाएं जबकि उनके सामने सीनियर जींद की टीम जिसमें नेशनल बालिकाएं भी खेल रही हैं। और ये देखिए मनजीत जो कि गोल्ड मेडलिस्ट और यहां पे रेड लेकर आगे बढ़ते हुए और ब्लॉक करने की कोशिश, लीजिए मनजीत को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी लेकिन युवा स्टार ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए कलंगा की आने वाले समय में जरूर ये देश दुनिया के लिए खेलती नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर लंगी में जीत का स्कोर 27 और तेलंगा ए का स्कोर 11 ग्यारह के मुकाबले 27 लीजिए अब बात करें साथी पकड़े गए 28-11 का स्कोर यानी 17 अंकों की बढ़त है जीत के पास। जीत की टीम हरियाणा प्रदेश की बेहतरीन टीमों में से आती है रोशनी में सुपरस्टार टीम ये नेशनल ओपन गर्ल्स कबड्डी 2023 खेला जा रहा है इस वक्त और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उत्तम सुविधाएं। लेकिन सीनियर जूनियर का मैच यहां पे देखिए एक तरफ लगभग अंडर 16 बालिकाएं नजर आ रही हैं वहीं सीनियर और लक्ष्य तक पहुंच गए दो पॉइंट यहां पे दो पॉइंट के साथ बढ़त को कम करने की कोशिश सपट्टा मारते हुए क्या पॉइंट मिलेगा। जी हाँ दाएं कॉर्नर पे कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और बटोर दिया पॉइंट 11,000 रुपए का विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में जोरदार तालियां उनके लिए और धन्यवाद। और यहाँ पे लीजिए पचलंगी गाँव के मेले में अपना सहयोग इस पावंदरा पे कलंगा को ये पॉइंट शर्मा वृक्ष उद्योग इंद्रजीत शर्मा हरियाणा वाले और वाह शानदार है यहाँ पे, हालांकि प्रयास बहुत बेहतरीन था 11,000 रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम में इस भंडारे में उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद 11,000 रुपए। एक तरफ सीनियर एक तरफ जूनियर लक्ष्य तक पहुंच गए पॉइंट लीजिए कलंगा के खाते में इस भंडारे में हुआ उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिर से वही रेडर विक्रम सिंह जी नरपत सिंह जी शेखावत वाटर सप्लायर पतलंगी वाले इनके द्वारा 5100 रुपए का सहयोग इस्तेमाल करते हुए टच करने की कोशिश लेकिन सुंदर बचाव कॉर्नर के ऊपर बैकफुट पे जाते हुए भीवाराम जी समय को ध्यान रखते हुए वापस लौटना ही मुनाफिम समझा भीवाराम जी ठेकेदार साहब उनके द्वारा 11,000 रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शानदार बालगी गर्ल्स कबड्डी की और यहाँ पे पकड़े गए छोड़ने वाला नहीं जीत साइड लाइन से बाहर भेजा इनके द्वारा 3100 रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक बार फिर से
मौके की तलाश में है। कैच किया हारे हुआ बहुत ही शानदार कैच उल्टा बेहतरीन ब्लॉक किया। हौसले बुलंद है युवा हुआ तो क्या हुआ। विश्वकर्मा आयरन स्टोर और खेल भी कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हालांकि बहुत ही युवा बालिकाएं हैं कलंगा की लेकिन जो प्रदर्शन जीत के सामने कर रहे हैं वो लाजवाब। ये लीजिए फिर से शानदार राइड यहाँ पे मनजीत रेड के ऊपर यहाँ पे जो कि इनको भी कैच किया है सबसे बेहतरीन रेडर। और लक्ष्य तक पहुंच गए हमारे कार्यकर्ता का एक मोबाइल गिर गया। इस समय में थोड़ा सा रोमांच होता हुआ मैच गलती की है एक और पॉइंट कलंगा को। क्या यहाँ बोनस मिलेगा प्रयास जरूर अच्छा किया था लेकिन प्रतीक्षा करनी होगी निर्णायक की। बोनस अर्जित यहाँ पे अंतिम 2 मिनट का खेल बाकी। सभी दानदाताओं को बाबा साहब को विशेष धन्यवाद। अंतिम 2 मिनट में देखते हैं कलंगा क्या वापसी कर पाएगा। बहुत मुश्किल है वापसी करना। जीत तय है यहाँ पे जींद की क्योंकि सीनियर टीम जिसमें नेशनल बालिकाएं भी खेल रही हैं जबकि उनके सामने जूनियर बालिकाएं काफी यंग हैं। अगले मैच की दोनों टीमें ग्राउंड के नजदीक आ जाएं। बहुत ही खूबसूरत बात की गर्ल्स कबड्डी 2023 पचलंगी झुंड राजस्थान कैच किया है। एक बार फिर से पचलंगी ने अच्छा टेकल किया। छोटी बच्चियों के लिए कलंगा की टीम ने माफ कीजिए जोरदार ताली बजाओ बिल्कुल फाइट करती है बहुत ही मजबूत टीम के साथ अच्छा संघर्ष किया है। और यहाँ पे कॉर्नर पे छीने को टच किया सेल्फ आउट यहाँ पे निर्णय रेफरी का। तो एक पॉइंट गंवाए जहाँ पॉइंट मिलना चाहिए था और वहाँ गंवा बैठे। अंतिम 1 मिनट का समय बाकी अब और निर्णायक के रूप में देखेगा ओम प्रकाश जी जांगेड़। और यहाँ पे लक्ष्य तक पहुँच गए 1 पॉइंट और ये शायद अंतिम रेड होगा। अब निर्णय के रूप में मोर मुकुट जी यादव ओम प्रकाश जी जांगेड़ और उनके साथ हैं राजेंद्र जी। गलती के पॉइंट गवा लीजिए ये अंतिम रेड होगा। अब 3,000 रुपए पत्तल भंडारे में पातल जो आपको जीतने के लिए काम में आती है तो 3,000 पातल और 2,000 पॉइंट जाएगा शायद जीने के लिए विश्वास तो यही कह रहा जी। हाँ लीजिए इसी के साथ बच गई सीटी खेल खत्म और जींद ने यहाँ मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही शानदार खेल दिखाया जींद की टीम ने और शानदार जीत दर्ज की कलंगा के सामने। यहाँ पे देखे नारी शक्ति महिलाएं भी वीडियोग्राफी बना रही है कैमरामैन की भूमिका निभाते हुए आप देख सकते हैं कितना करेज है यहाँ पे इस खेल कबड्डी का। और जितने भी तारीफ करें ऑडियंस की उतनी कम है। पूरा आनंद लेता हुआ इस वक्त पचलंगी इस दुतिया रोशनी में।